हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी का अनुपात 3:2:5 है, रुपये 500 में से सी को कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे, ए बी और सी अनुपात है 3:2:5। टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो कितना है, 500 रुपये। इसको डिवाइड करना है और सी की अपन सी को कितने रुपए मिलेंगे ये कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सी का अमाउंट बराबर कितना होगा, सी का अमाउंट कितना है यहाँ पर 5 है और टोटल कितना है, 3 और 2 5 और 5 10, मल्टीपल वाई ये कर देंगे। तो सी का अमाउंट कितना हो जाएगा, सी से काटेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 के ऐसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है, तो ए बी और सी किस अनुपात में है ये अपन को निकालना है। फर्स्ट लिखेंगे, ए और बी का अनुपात है 3:4, बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का अनुपात है 2:5। अनुपात को कंबाइंड कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो ब्लैंक के पास में कौन सी संख्या है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ब्लैंक के पास में कौन सी संख्या है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इनका रेशो क्या आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, ये रेशो आ गया। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से इनको काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 10, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है, ए अनुपात बी के बीच में रेशो है 1:2, बी और सी के बीच में रेशो है 3:2, सी और डी के बीच में रेशो है 1:3, तो ए बी सी डी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अपन को चाहिए। ए और बी के नीचे लिख लेंगे 1:2, बी और सी के नीचे लिख लेंगे 3:2, सी और डी के नीचे लिख लेंगे 1:3। यहाँ पर ब्लैंक हैं 2, एक ब्लैंक यहाँ पर है, एक ब्लैंक यहाँ पर है, एक दो ब्लैंक यहाँ पर है। ठीक है, तो ब्लैंक में अपन को क्या करना है, पास वाली संख्या को रखना है। पास वाली संख्या कितनी है, 2 है, 2 को अपन यहाँ पे रख देंगे, 2 को अपन यहाँ पे रख देंगे। पास वाली संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया। पास वाली संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। यहाँ पे पास वाली संख्या कितनी, 1 और 1 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी रेशो किस तरीके से निकालेंगे, सबका मल्टीपल कर देंगे। इन तीनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दो तीनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीपल करेंगे 3 2 6 और ये कितना आ जाएगा, 12, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ₹5,600 को ए बी सी और डी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी के हिस्सों का अनुपात 1:2, 3:1 और 2:3 है, तब ए और सी और बी और सी के हिस्सों का योग ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपन को, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो रेशो को कंबाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेंगे। ए अनुपात बी के बीच में रेशो कितना है, 1:2 का, बी अनुपात सी के बीच में रेशो कितना है, 3:1 का, सी अनुपात डी के बीच में रेशो कितना है, 2:3 का। इस तरीके से लिखना, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर है और इस तरीके से ब्लैंक है, इनको फिल करना है। पास में कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। पास में कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। पास में कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। पास में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो इन तीनों का
इन सब का मल्टीपल करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन सब का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। इन दोनों का तीनों का मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा, इनका करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, इस रेशो को आगे और सॉल्व करेंगे तो आगे फिर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये रेशो निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आगे दे रखा है कि ए और सी, ए और सी के हिस्से, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब दोनों का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 3 है, सी का हिस्सा कितना है 2 है, तो टोटल कम्बाइंड कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों, और चारों को मिलके कितना है, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, और इस टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। इससे काटेंगे 400 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। अब निकालना है बी और सी का हिस्सा, किसका निकालना है, बी और सी का, तो बी का कितना है 6, सी का कितना है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8, और इन चारों का टोटल कितना दे रखा है 14, कितना दे रखा है दोस्तों, इन चारों का टोटल दे रखा है 14, और अमाउंट कितना है 56, फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 400 बार, और ये कितना हो जाएगा 3200 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ए अनुपात बी के बीच में दे रखा है, बी अनुपात सी के बीच में दे रखा है, सी अनुपात डी के बीच में दे रखा है, डी अनुपात ई के बीच में दे रखा है रेशो, और अपन को सबको कंबाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई लिखेंगे। ए अनुपात बी के बीच में अनुपात कितना है 2:1 है, बी अनुपात सी के बीच में अनुपात कितना है 1:3 है, सी अनुपात डी के बीच में अनुपात कितना है 2:3 है, और डी अनुपात ई के बीच में अनुपात कितना है 1:2 है। ठीक है दोस्तों, कंबाइंड करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक है उनको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कितने ब्लैंक है, 1, 2, 3, 3 ब्लैंक यहाँ पर है, इनको फिल करना है, 1 यहाँ पर बचा। ठीक है दोस्तों, 2 ब्लैंक इसके नीचे बचे, तो पास में कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1, 1, 1 लिखेंगे, यहाँ पर पास में कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर पास में कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर पास में कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर पास में कितना है 2 है 2 लिख देंगे, यहाँ पर पास में कितना है 1, 1, 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का रेशो कैसे करेंगे, सबका मल्टीपल करेंगे, इन चारों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसमें भी अपने को वही कम करना है, रेशो को कंबाइंड करना है। फर्स्ट में दे रखा है ए बी सी के बीच में रेशो, फिर दे रखा है सी डी ई के बीच में रेशो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई के बीच में अपन को रेशो निकालना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दे रखा है 1:3:2, फिर दे रखा है डी अनुपात ई निकालेंगे, तो सी के नीचे कितना लिखेंगे 1:2:3, ये ब्लैंक है, ये दो ब्लैंक है, इनको फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए पास वाली संख्या कितनी है 2 रखेंगे, पास वाली संख्या कितनी है 1 रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इन सबका मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का कितना आ जाएगा 1, इनका आ जाएगा 3, इनका आ जाएगा 2, इनका आ जाएगा 4, इनका आ जाएगा 6, तो इस रेशो में ये रेशो निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुल राशि को पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 6:5 में बांटा गया है, उनकी आय का अनुपात 2:3 है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। फर्स्ट क्या दे रखा है, पुरुष लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर महिलाएं, जितने भी सभी के सभी जो पुरुष हैं और सभी की सभी जो महिलाएं हैं उनके बीच में रेशो दे रखा है 6:5, कितना दे रखा है 6:5, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के बीच में रेशो, और सभी पुरुष और सभी महिलाओं की आय के बीच में रेशो है ना, और एक पुरुष और एक महिला इनकी आय के बीच में रेशो दे रखा है 2:3, तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या पुरुषों की संख्या अनुपात महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल में अगर एक पुरुष का भाग ले, एक पुरुष की आय का भाग लगा देंगे तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या आ जाएगी, तो इसमें 6 में 2 का भाग लगा देंगे, इसमें 5 में 3 का भाग लगा देंगे। इस रेशो को सॉल्व करेंगे, तो रेशो को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का इससे करेंगे कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 का इससे मल्टीपल करा 18 आ गया, इससे 2 बार गया, 2 का इससे मल्टीपल किया 10 आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 18/10। इसको कॉल आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 9/5। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है, तो कंपनी का व्यय पहले कितना था। ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, कर्मचारियों की जो संख्या है पहले लिखेंगे फर्स्ट में और ये लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में कितना है, फर्स्ट में क्या थी, कर्मचारियों की संख्या 3 थी और बाद में 2 हो गए, वेतन पहले 4 था 5 हो गया, मतलब ये तो है कर्मचारियों की संख्या और ये है एक कर्मचारी का वेतन, एक का वेतन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वेतन कितना है, एक कर्मचारी इतने हैं, एक कर्मचारी का वेतन इतना है, तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 12 आ जाएगा, इन दोनों का लास्ट में कितना मल्टीपल करेंगे 10 आ जाएगा। पहले 12 रुपये वेतन दिया जाता था, अब दे रहे हैं 10 रुपये वेतन, तो कंपनी को कितने रुपए की बचत हो रही है, यहाँ पे 2 रुपये की बचत हो रही है और 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 12,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये। कंपनी का व्यय पहले कितना था, स्टार्टिंग में व्यय कितना था, स्टार्टिंग में व्यय कितना है कंपनी का 12, तो 12 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 × 6,000, 12×96 न 12×72 ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे आगे के क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।